तो गाइज बहुत सारा हमको कमेंट ये रहा था कि सर मेरे पास जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है उसका नहीं तो हमको कस्टमर आईडी मिल रहा है और नहीं हमारे पास अकाउंट नंबर है, तभी हम उस अकाउंट को कैसे चालू करेंगे। तो देखिए चालू करने के लिए मैं एक ऑप्शन आपको दिखा दूंगा जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट को हैंडल कर सकते हो, यानी आपको एक यूपीआई जनरेट हो जाएगा, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, आप चाहते तो अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो और बैलेंस ले भी सकते हो। ये काम आपको मैं दिखा देता हूँ वो कैसे करना है। इसके लिए आपके पास एक डाक पे एप्लीकेशन है, आपको डाक पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। वहां पे आपको यूपीआई सेटअप होता है, आपको ज्यादा कुछ आप करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालोगे ओटीपी आएगा, बस हो गया। सिर्फ दो ही स्टेप वहां पर रहता है, फिर आपसे जो भी परमिशन मांगा जाएगा उस परमिशन को आपको अलाउ करते जाना है। वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जिस प्रकार आपको अकाउंट नंबर, वहां पर सिर्फ आपको अकाउंट नंबर को लास्ट का 4 जीरो देखने को मिलेगा, यूपीआई आपको पूरा देखने को मिलेगा, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बात रही यहाँ पे अकाउंट नंबर कैसे पता चलेगा और साथ साथ कस्टमर आईडी कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी देखिए एक और ऑप्शन है, अगर आपका जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट अगर पेटीएम एप्लीकेशन में लिंक हो जाता है तो वहां एक ऑप्शन आपको दिया गया व्यू का ऑप्शन, यानी वहां पे एक पेटीएम एक ऑप्शन आपको दिया गया है बैलेंस चेक का ऑप्शन। आपको बैलेंस चेक पर जब क्लिक करोगे तो वहां पर अगर आप इंडियन पोस्ट बैंक का, वहां पर अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को आप लिंक करके रखे रहोगे तो वहां पर सिर्फ आपको शो करना है, शो करने के बाद वहां से आप अकाउंट नंबर ले सकते हो। तो वहां अकाउंट नंबर तो आपको मिल चुका है, लेकिन बात रह गया कस्टमर आईडी को। तो कस्टमर आईडी अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में शो नहीं होता है, सिर्फ भी आपको दो ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आपको डाक पे जिसमें आपका पूरा अकाउंट हैंडल कर सकते हो, वहां पे अकाउंट नंबर से शो नहीं होगा। दूसरा पेटीएम एप्लीकेशन जहां पर आपका अकाउंट नंबर शो होगा लेकिन कस्टमर आईडी शो नहीं होगा। तो लेकिन कस्टमर आईडी फिर हम पर आप कहां से करेंगे, अभी अकाउंट नंबर तो आपको मैं बता दिया, अगर आपका पेटीएम एप्लीकेशन पर लिंक हो जाता है तो वहां पर आपको शो हो जाएगा। अगर किसी कारण बस अगर आपको आप पेटीएम में अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हुआ तो आपसे एक काम कर सकते हो, 1-55-299 पर आपको कॉल करना, 1-55-299 पर कॉल कर देना है और ये कस्टमर केयर का नंबर है। कॉल करने के बाद आपको एक ही बात बोलना है, अगर आपको अकाउंट नंबर मिल चुका है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि मेरे पास जो है नहीं अकाउंट नंबर है और नहीं मेरा कस्टमर आईडी है, तो वो आपको कस्टमर आईडी और साथ साथ आपको जो है अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही रहेगा और आपका जो मोबाइल नंबर आपके पास है ही, तो बस आप दोनों प्रोसेस डालोगे और फिर अपने अकाउंट को आप हैंडल इजीली कर सकते हो। तो यही सिर्फ प्रोसेस है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। फिर भी अगर कुछ आप सबको दिक्कत होता है कस्टमर केयर की बात करने के लिए, कोई और भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो या धर्म पे भी हम कमेंट करके हमसे बात कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।